उसकी वीडियो आप लोगों ने शुरू में देख लिया होगा किस तरह साध रो रहा है, क्या वजह है साध क्यों रो रहा है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आज इस वजह से, और आज आप लोगों के लिए कोई क्लास नहीं मैं लेके आया, बट ये कि एक एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। शुरू करते हैं फिर। ये है कि साध क्यों रो रहा है। साध इस वजह से रो रहा है क्योंकि उसकी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ गई। तो क्यों आई, किस वजह से आई, वो ये है कि उसामा ने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी फोटोशॉप की, और उसके अंदर उसामा ने जस्ट उसका ओवरव्यू दिया फोटोशॉप का। बट हुआ ये कि एक महीने पहले वीडियो बनाई, यूट्यूब वाले उसको अब स्ट्राइक दे रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई, एक महीने पहले वीडियो बनाई गई है, तब ही देनी चाहिए थी, तब अभी तक नहीं दी। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? उनकी ग्रोथ, उनके चैनल की ग्रोथ बहुत जल्दी हुई। बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि उनको अभी जस्ट तकरीबन तीन महीने के अंदर उनका चैनल उठ गया, अभी मोनेटाइज नहीं हुआ उनका चैनल। बट ये कि इतना अच्छा चैनल चल पड़ा और उनके अब जो सब्सक्राइबर हैं वो 1.09 सब्सक्राइबर्स हैं। इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर ग्रो करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है यूट्यूबर के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये काम। आप लोगों को हम एंटरटेन करते हैं, हम आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री, जो कि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स नहीं प्रोवाइड करते, कुछ नहीं सिखाते, वो हम यहाँ पर आके आप लोगों को सिखाते हैं। बट क्या आप लोग हमारी सपोर्ट करते हैं? नहीं करते यार, पूरी तरह आप लोग हमारी सपोर्ट ही नहीं करते। हम पूरी पूरी रात जागकर वीडियो एडिटिंग करते हैं, अपनी एक वीडियो तैयार करते हैं, पूरी रात हमें जागना पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यार। आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, शायद मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को भी समझ ना आ रहा हो, और होता है, अक्सर होता है कि ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट्स को इश्यू होता है समझने में, फिजिकल क्लास वो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, पूरी रात यूट्यूब की वीडियो एडिट करने में ही लग जाती है, और हमें कॉपीराइट स्ट्राइक एकदम आ जाए तो ये भाई कोई छोटी बात नहीं है। कॉपीराइट जैसे उनके ऊपर आया, उन्होंने वीडियो डालनी छोड़ दी, डिसहार्ट हो गए हैं वो लोग। इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन के नाम से उनका चैनल है, वो डिसहार्ट होके बैठ गए कि यार अब हमने कोई वीडियो नहीं बनानी, यार ऐसा क्यों हो गया यार, हम इतनी मुश्किल से वीडियोस हम एडिट कर रहे हैं, बना रहे हैं, पूरी रात हमें एडिट करने पे लग जाती है, और हमें क्या फ़ायदा हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया 3 महीने के लिए। वो भी ये भी नहीं कि मींस के कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो ठीक है यार, एक दिन का आया हट जाएगा यार, आगे वीडियो डिलीट कर देंगे तो हट जाएगा, और वो जो 3 महीने के लिए कॉपीराइट जिस वीडियो पे आया था वो वीडियो भी यूट्यूब ने उड़ा दी। वो लोग एक ईमेल सेंड नहीं कर सके, किस वजह से, क्योंकि वो वीडियो ही डिलीट हो गई। अब वो किस तरह करें, यूट्यूब ने वो वीडियो ही उड़ा दी, खुद से उड़ा दी। जब मुझे पता चला ना यार उनके कॉपीराइट आई, तो मैंने उनको कहा यार आप लोगों ने वो वीडियो डिलीट नहीं करनी, आप ईमेल करो यूट्यूब वालों को, यूट्यूब को ईमेल करो कि भाई ऐसे सिचुएशन हुई है, ये क्यों आया है, एक महीने पहले जब मैं वीडियो डाली है तब क्यों नहीं आया, और अब एक महीने बाद आ रहा है जब हमारा चैनल ग्रो कर गया। यार समझ नहीं आता कि यूट्यूब चाहता क्या है। अब ये देखें कि 4000 घंटे पूरा करना कोई आसान बात नहीं है। हमारी कोई वीडियो अगर पूरे साल में वायरल ना हुई तो, अब मेरी तकरीबन 150 से ज़्यादा वीडियोज़, तकरीबन 150 वीडियोज़ हैं मेरी, एक वीडियो मेरी वायरल नहीं हुई अभी तक। वो क्यों, अब मुझे नहीं पता, शायद मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, शायद लोग नहीं देख रहे, पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देख रहे। यार आप लोगों को एंटरटेन मैं कर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, गेमिंग तक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, यार फिर भी आप लोग कोई भी उसमें से कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। चलो गेमिंग एक मेरी हॉबी है, मीन्स के शौक है मुझे गेमिंग करने का, तो मैं वो गेमिंग करता हूँ, तो चलो मैंने उस गेम को आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया कि चलो ठीक है यार, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो चलो इनके साथ
मिलके खेलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, बट आप लोगों ने वो वीडियोज़ ही नहीं देखी। मैंने अडोब इलस्ट्रेटर का पूरा कोर्स एंड होने वाला है अब तकरीबन, मैं क्लासें वो ख़त्म कर देनी है, क्योंकि भाई आप लोग तो देखते ही नहीं हो, मीन्स के आगे मैं कुछ भी नहीं, मैं ये चैनल ही छोड़ने वाला हूँ, मैं ये चैनल बिल्कुल नहीं चलाऊँगा आगे, बस मैं ये चैनल नहीं चलाने वाला, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो यार। आप लोगों के लिए ये बनाया गया चैनल, आप लोगों के लिए व्लॉगिंग लेके आया हूँ यार, और मेरा कोई व्लॉगिंग कोई ऐसी कोई फजूल की व्लॉगिंग नहीं है यार, फैमिली कंटेंट है मेरा यार, फैमिली कंटेंट आप लोग क्यों नहीं देखते। माज सफदर के भी तो व्लॉग्स हैं, आप लोग वो तो बहुत खुशी से देखते हैं और उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, और हाँ वो अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे उनके व्लॉग्स होते हैं, मैं खुद भी उनके व्लॉग्स में देखता हूँ। हम आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, आप लोगों को कोर्स दिया यार, आप लोगों ने वो कोर्स तक नहीं देखा, अच्छे से नहीं देखा, और क्या उस पर व्यूज़ आ रहे हैं यार, 90 व्यूज़, 100 व्यूज़, 200, 300, 500, यार ये कोई व्यूज़ होते हैं, आप लोग देख ही नहीं रहे उसको, एटलीस्ट देखें तो सही, एक दफ़ा देखें आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी यार। इतना ज़्यादा मैंने सिखा दिया उसके अंदर, मींस के जो चीज़ें नहीं भी सिखाई जाती इंस्टीट्यूट्स कॉलेज के अंदर, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है वीडियोस बनाना, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बोलना, कैमरे में आना आसान बात नहीं होती, आप लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं कि भाई पूरी रात ये बैठ के वीडियो एडिट करते हैं किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं होता, यूट्यूबर्स को कोई लालच नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैं सैड फील कर रहा हूँ साद के लिए, उसामा के लिए, कि उनका जो चैनल है वो 3 महीने तक मोनेटाइज ही नहीं हो सकता यार। बिल्कुल करीब पहुँच गए थे वो लोग, बहुत करीब पहुँच गए थे मोनेटाइजेशन के, इतना ज़्यादा करीब पहुँच गए थे, और एकदम यूट्यूब ने वो स्ट्राइक मारी, अब 3 महीने तक उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। काइंडली उनको भी सपोर्ट करें कि उनका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो, और आप लोग मेरे चैनल पे भी आएँ यार, सिंपल सा है, एक सब्सक्राइब देना है, ऊपर से क्या करते हैं, चलो सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करके देख के अनसब्सक्राइब कर देंगे यार, ये चीज़ मत किया करो। अगर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करना होता तो आप लोग ना किया करो, सब्सक्राइब करके आप लोग अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि किसने अनसब्सक्राइब किया है, बट यार हम बहुत मुश्किल से एक एक सब्सक्राइबर जमा करते हैं, और उनमें से कुछ इस तरह के होते हैं कि जो कि अनसब्सक्राइब मार देते, और ये हमारे लिए बहुत परेशानी का बाइस बनती है चीज़, कि यार इतनी मेहनत करते हैं हम, और इतनी मेहनत से सब्सक्राइबर एक एक करके हम सब्सक्राइबर जमा करते हैं, और वो सब्सक्राइबर हमारे हमें अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। आप प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट किया करें, यूट्यूबर्स आप लोगों को इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ, यूट्यूब के अंदर एक छोटी से छोटी चीज़ पड़ी हुई है, आप लोगों को अगर नाखून भी काटा है तो यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है कि नाखून किस तरह काटा जाता है, और सब्ज़ी किस तरह काटी जाती है, खाना कैसे बनाया जाता है यार, एक बिज़नेस कैसे खड़ा किया जाता है, वो तक यूट्यूब के ऊपर बताया गया, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह करनी है, ग्राफिक्स का किस तरह काम सीखना है, वीडियो एडिटिंग किस तरह सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग, और भी इतने सारे कोर्सेज हैं, फिर ये देखेंगे उसके ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट्स तक पड़ी हुई हैं, आप लोग वो भी वहाँ से कर सकते हैं, इतना कुछ, दुनिया की हर एक चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो कौन लेके आता है यार, वो यूट्यूबर्स ही हैं जो अपनी मेहनत से आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, पूरी पूरी रात जाग कर वो एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि यार आप लोगों को आसानी हो, लाइफ स्पेंड करने में आप लोगों को आसानी हो, व्लॉगिंग दिखाते हैं कि यार लाइफ में चल क्या रहा है एक इंसान के। अब मैं व्लॉगिंग करता हूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि यार हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, और वो व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि यार एजुकेशन तो हर कोई इंसान दे देता है, एजुकेशन के साथ मैंने कहा यार थोड़ा एंटरटेन भी आप लोगों को किया जाए, ताकि आप लोग बोर ना हो मेरी उन क्लासेस से, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग दिखाई कि यार चलो व्लॉगिंग। अब व्लॉगिंग के साथ मैंने गेम्स भी आप लोगों को दिखाएंगे यार, GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी हम लोग खेल रहे हैं वहाँ पर बैठ के,
और उसके ऊपर रिस्पॉन्स बहुत घटिया आया, बहुत घटिया रिस्पॉन्स आया, इसलिए हम लोगों ने वो छोड़ दी, बनानी छोड़ दी। आप लोगों ने देखा होगा मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पहले आई हैं, बट उसके बाद मेरी लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी नहीं आई। कुछ वीडियोज़ आई हैं, 10 वीडियोज़ आई होंगी, उसके बाद हमारी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आई। साथ भी नहीं मेरे साथ आया, ना उसामा मेरे साथ आया, ना फाखिर आया। वो कहते हैं यार हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जब ये लोग देखते ही नहीं हैं, हम एवं फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई मैं तो ये वाला चैनल अपना छोड़ने लगा हूँ, वेक्टर ग्राफिक्स बंद करने लगा हूँ मैं नहीं बनाऊँगा और वीडियोस नहीं बनाऊँगा, बस बहुत हो गया यार। आप लोग नहीं हेल्प करते, हमारी हेल्प नहीं करते, आप लोग देखते नहीं, हमारे कंटेंट्स नहीं देखते यार, क्या फ़ायदा हमारी मेहनत, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। आप लोगों ने वही देखना है कि भाई जो डांस कर रहा है या कोई कुछ भी, मीन्स के फजूल इंतहा घटिया, जिसने 1 2 3 पिल्ला भी कर दिया तो आप लोगों ने उसको वायरल कर देना। ये नहीं देखना कि एक यूट्यूबर इतनी मेहनत करता है, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव चीज़ लेके आता है यार, आप लोगों को सिखाता है जो आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल नहीं सिखाते, वो एक यूट्यूबर आप लोगों को सिखा देता है। बट आप लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 पिल्ले को ही उठा देंगे, या तो डांस करने वालों और उनका फ़ोटोशूट हो रहा होगा और उनको सॉन्ग्स के अंदर ले रहेंगे और ड्रामों में घुसा देंगे उन्हें। क्या यार क्या कहूँ मैं, ठीक है फिर हम यहीं पर अपनी टॉक जो है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों के साथ क्या बात करूँ यार। आप लोग यूट्यूबर्स की कदर ही नहीं करते, सिंपल सी बात है, आप लोग यूट्यूबर्स की ना कदर नहीं करते, आप लोग टिकटॉकर्स की कदर करते हो जो कि फजूल तरीन इंतहाई घटिया तरीन आप लोगों को कॉन्टेंट देते हैं। और ये सब टिकटॉकर्स को नहीं कह रहा, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं यार, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस लाइक करता हूँ, सेव करके अपने स्टेटस तक पे लगाता हूँ, बट जो घटिया तरीन वल्गर काम करते हैं आप लोग उनको उठाते हैं यार, हाथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ये मत करो। उस इंसान को वायरल करो, उस इंसान को उठाओ जो के सच में इस चीज़ का हकदार है। हाथ जोड़ें यार आप लोगों के आगे, ऐसे मत करो यार, फजूल तरीन कंटेंट वालों को मत उठाओ यार, यूट्यूबर्स की थोड़ी हेल्प करो यार, यूट्यूबर्स को भी अच्छा समझो यार, टिकटॉकर से बेस्ट है एक यूट्यूबर, टिकटॉकर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं सच में यार सच सीरियसली बताऊँ, कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूँ जो कि बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं यार, उनकी बातों में उनकी वीडियोस में इतना कमाल होता है ना यार, उनकी बात करने का उनके डायलॉग्स ऑसम यार, बट कुछ 1 2 3 पिला करके तो क्या यार। चलें ठीक है, ओके बाय, यहीं पर ख़त्म करते हैं, और सॉरी वेक्टर ग्राफिक्स शट डाउन होने वाला है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ वेक्टर ग्राफिक्स को, चैनल मैं बंद कर रहा हूँ, यहीं तक था हमारा साथ, यहाँ तक ये देख लें कि मच्छर काट रहे हैं, ये जो बार बार मैं नीचे हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है यार पाँव पे, आप लोग नहीं समझते, अभी पंखे वगैरह बंद करके बैठा हूँ क्योंकि आवाज़ ना आए यार, आवाज़ ना पंखों की इसके अंदर आए, सारा कुछ बंद, एसी तो लगा नहीं हुआ भाई, भाई मिडिल क्लास बंदा हूँ भाई, एसी तो घर में नहीं लगा हुआ, पंखे ही हैं ठीक है ना, पंखों के बगैर बैठा हुआ हूँ अभी, और मच्छरों ने मेरी जो टांगों की हालत कर दी, मेरे पाँव उन्होंने अपने ना सुए मार मार के छेद कर दिए। ज़िंदगी रही तो मुलाकात आप लोगों से लाजमी होगी, दोबारा होगी, और वेक्टर ग्राफिक्स ख़त्म कर रहा हूँ, यहीं तक हमारा साथ था आज। बाकी इतना ही बोलूँगा कि इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन को आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें उनके चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि साद की हालत आप लोगों ने देख ली कि किस तरह साद रो रहा है उस वीडियो के अंदर। और हाँ यार, सिंपल छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूबर्स की हेल्प किया करें,
उनको ग्रो होने में। नए यूट्यूबर्स जो आते हैं उनकी भी हेल्प किया करें, और जो वायरल हैं, जो के फेमस यूट्यूबर्स हैं, आप लोग उनकी भी हेल्प किया करें, और खुश रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें दूसरों को भी, और ही कुछ नहीं बचा कहने को। खुदा हाफिज़।